हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप दैट इज फाइन। वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अपडेट। अपडेट है M30S को लेके, कि M30S में काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे थे, तो काफ़ी के सॉल्यूशंस मैं दे पाया जो पॉसिबल थे उस टाइम पे। बट अब जैसे सैमसंग को भी पता होगा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड्रॉयड 10 के अपडेट के बाद, तो उन्होंने भी एक अपडेट निकाल दी है और वो मैं अपडेट में करने वाला हूँ और इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। वो फ़िलहाल ये जो वीडियो है, जितनी अपडेट्स की चेंजेस हुई हैं वो एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको पता लगेगा कि एक मैं अपडेट दे रहा हूँ कि नया आ चुका है, आप इंस्टॉल कर लें। क्या क्या होने वाला है ओवरव्यू में आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज़ करता हूँ। ड्रोन्स के वीडियो तभी आते हैं जब कुछ अपडेट आता है, तो डेफिनेटली ड्रोन का ही एक्सक्लूसिव चैनल है। तो ड्रोन लवर्स नाराज ना हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे मालूम है आप सब में उत्सुकता है मैविक एयर 2 को लेने के लिए। तो फ़िलहाल अभी इंटरनेशनल इतना नहीं चल रहा, धीरे धीरे सब शुरू हो रहा है अनलॉक 1, तो मे बी मैविक एयर ज़रूर आएगा। जिसको मैविक एयर 2 चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। बाकी ये वीडियो खासकर है हमारे मोबाइल लवर्स के लिए। तो जो जो उन्होंने लिखा है ओवरव्यू में कि इसमें डिवाइस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है कि जैसे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमारा फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है, अपने आप रीस्टार्ट मारता है और कैमरा स्विच करते हैं तब मारता है, तो ये स्टेबिलिटी, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होना। तो ये जो चीज़ें हैं आई थिंक इस अपडेट के बाद ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 2 इन्होंने कहा है कि कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड किए जाएंगे, वो जब मैं इसको इंस्टॉल करके टेस्ट करूँगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मेरे को एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग वो इस अपडेट के बाद दूर डेफिनेटली हो जाएंगी। और तीसरा इन्होंने लिखा है कि परफॉर्मेंस बढ़ेगी गेम लवर्स के लिए, जो काफ़ी कह रहे थे हीटिंग प्रॉब्लम्स एंड काफ़ी मज़ा नहीं आ रहा गेमिंग में। आई थिंक वो परफॉर्मेंस उनका ठीक हो जाएगा। तो ये है खास ओवरव्यू जो मैंने अपडेट से पहले ले लिया है, एंड नाउ आई विल स्टार्ट माय अपडेट। तो ये एक आपका बेसिकली समझ सकते हैं कि वीडियो था, जिससे आपको पता लग सके कि क्या क्या चीज़ें मतलब होने वाली हैं। तो आई होप सो कि इस अपडेट के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आप सबकी दूर हो जाएंगी जो सैमसंग M30S से आपको हो रही हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सा आप कह सकते हैं, पार्ट 2 में आपको ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं इसको अपडेट पे लगाने वाला हूँ, अपडेट थोड़ा टाइम लेगी एंड जैसे ही होगा तो मैं आपको बता देता हूँ अपडेट कितने साइज़ की है। और इसमें आपको डेमो भी दे देते हैं, अपडेट काफ़ियों को पता नहीं लगता करना कैसे है, तो प्लीज़ अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले बताया था, मैं हर एक नॉर्मल से नॉर्मल हमारे किसान भाइयों तक, मतलब जिनको नहीं मालूम है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा, उनके पास फ़ोन है तो उनके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है, तो मैं वो बताऊँगा कैसे करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल पता लगेगी क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई। तो ले चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये है हमारा फ़ोन, और जब भी आपने सेटिंग में जाना है तो आपको कहाँ से पता लगेगा, ये देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर ऑरेंज आ जाता है, यहाँ से आप ऑन करेंगे तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल, एंड ये देखिए इसमें क्लियरली लिखा है डिवाइस स्टेबिलिटी, बग फिक्सेस, बग क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उनको बग कहा जाता है, न्यू एंड एनहांस फीचर शुरू होंगे, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स ऑफ फॉर परफॉर्मेंस, और ये है इसका वर्जन एंड सिक्योरिटी पैच भी मिलेगा, एंड ये अपडेट है ऑलमोस्ट 104.55 MB की। इंस्टॉल नाउ, तो ये मैं अब इंस्टॉल करने वाला हूँ, मेरे पास वाईफाई कनेक्शन है एंड इसको मैं पावर पे लगा दूँगा। तो अब ये हो गया अपडेट होना एंड अपडेट होता रहेगा, दैट्स इट। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और कोई भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें इस अपडेट के बारे में। अगर आपको कुछ पता नहीं लगा कैसे अपडेट करना वो भी लिखें, और अगर नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें होगा आपने अब तक, और लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करना, प्लीज़ शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को फैलाएं, और सैमसंग लवर्स को ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि वो जल्दी से अपना अपडेट कर लें। थैंक यू वेरी मच।